अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स आई एम हिना महजबीन आई होप यू ऑल विल बी फाइन एज यू नो वी आर स्टडिंग द कोर्स ऑफ वेब प्रोग्रामिंग एंड टुडे वी हैव टू लर्न हाउ वी कैन एनहांस द कॉस्मेटिक लुक ऑफ एचटीएमएल टेबल्स यूजिंग सीएसएस यानी सीएसएस को यूज़ करते हुए किस तरह से बड़े ब्यूटीफुल से टेबल्स आप लोग बना सकते हैं सो लेट्स सी द विद एग्जांपल हम एक एग्जांपल देखते हैं किस तरह से हम टेबल्स को ब्यूटीफुल बना सकते हैं अच्छा जी यहाँ पर एग्जांपल गिवन है और आप लोगों को पता है कि डॉक टाइप एक्सक्लेमेशन मार्क डॉक टाइप एच डी एम एल जो कि एच डी एम एल फाइव की डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन टाइप है यानी आप बताते हो कि किस टाइप का डॉक्यूमेंट आप यूज़ कर रहे हो यहाँ पर एच डी एम एल यूज़ हो रहा है तो एच डी एम एल आ गया आपके पास और यहाँ पर रूट जो एलिमेंट है वो आता है एच डी एम एल का उसके बाद हमें पता है क्योंकि हम एक्सटर्नल सी एस एस तो नहीं करें स्टाइलिंग नहीं करें अगर एक्सटर्नल करना है तो डॉट सी एस एस की एक्सटेंशन के साथ आप फाइल बनाएंगे ठीक है उसका लिंक फिर आप आप जिस सेक्शन में आप यूज करना चाहते हैं जहां पर अप्लाई करना चाहते हैं वो यूज करेंगे लेकिन अभी हम इंटरनली करें ठीक है यहाँ पर देखें आपके पास हेड सेक्शन में स्टाइलिंग की जाती है अब यहाँ पर स्टाइलिंग देखें स्टाइल टैग एलिमेंट में राइट की जाती है स्टाइलिंग और यहाँ पर अप्लाई हो रही है आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ डॉट स्टाइल टेबल क्या है हमारे पास क्लास का नेम है जो कि हमने बॉडी सेक्शन में स्पेसिफाई किया है और डॉट इसके साथ उसको रिप्रजेंट करते हैं यानी डॉट के साथ आ जाए तो हमें पता चल जाएगा कि क्लास नेम है जो कि बॉडी सेक्शन में राइट किया गया है यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ बॉडी सेक्शन में ये देखो स्टाइल टेबल राइट किया हुआ है ना स्टाइल टेबल है ये देखें स्टाइल टेबल ठीक है यहाँ पर स्टाइल टेबल है तो मेरे पास स्टाइल टेबल की जो क्लास है वो बॉडी सेक्शन में टेबल एक क्रिएट किया गया है पहले हम इसी बॉडी सेक्शन को ही देख लेते हैं क्योंकि इसी की चीज़ें हमने ऊपर यूज़ की हैं टेबल क्रिएट किया गया है उसकी क्लास का नेम रखा गया है स्टाइल टेबल और क्लास का नेम क्यों यूज़ करते हैं ये मैंने आप लोगों को बताया था कि टेबल की जो स्पेसिफिक पार्ट पर सेक्शन पर अगर आप स्टाइलिंग करना चाहते हैं तो क्लासेज नेम या आई राइट कर देते हैं और उसी को यूज़ करते हुए फिर उस पर स्टाइलिंग एज सेलेक्टर उस पर स्टाइलिंग करते हैं अब टी हेड यानी हेड यानी हमारे पास है टेबल का हेडर यानी हेडिंग उसमें रो में आपने राइट करना है टी हेड में हेडिंग हमारे पास है कि कॉलम वन ठीक है कॉलम टू टी एच का बता दिया था टेबल हेडर है कॉलम थ्री कॉलम फोर है और रो क्लोज हो गई टी आर हमारे पास टेबल रो के लिए यूज होती है फिर टी हेड हमारे पास क्लोज हो गया है अब टी बॉडी हमारे पास ओपनिंग हो गई टेबल की बॉडी जो हमारे पास है उसमें क्या आ जाएगा आपके पास टेबल रो ठीक है रो क्रिएट की टेबल टी डी का जो टैग है एलिमेंट्स हैं वो यूज़ होते हैं टेबल डेटा के लिए आप नीचे डेटा वन डेटा वन टू थ्री आ गया रो क्लोज हो गई फिर नेक्स्ट हमने रो क्रिएट की यानी आई थिंक थर्ड वाली है शायद डेटा फोर और टी डी यानी आपने क्या है टेबल डेटा राइट कर दिया मोर रोज भी आप क्रिएट कर सकते हो टेबल बॉडी क्लोज हो गई टेबल क्लोज हो गया अब ये तो टेबल आपने कर लिया और बॉडी क्लोज हो गई आपकी अब ये जो आपने क्लास यूज़ की थी ना आ, स्टाइल्ड टेबल तो यही क्लास को यूज़ करते हैं और इस पर अप्लाई करते हैं अपनी स्टाइलिंग तो यहाँ पर आपके पास है डॉट स्टाइल्ड टेबल अब आपको पता चल गया ये वही क्लास है उस पर हमने विथ की हंड्रेड परसेंट यानी जितनी भी विथ है यहाँ पर विथ चौड़ाई ले लो और बॉर्डर कोलेप्स हमने कोलेब्स का किया कोलेब्स द बॉर्डर्स ऑफ द टेबल्स सेल्स ठीक है कोलैप्स की प्रॉपर्टी भी मैंने आप लोगों को बताई थी कि कैसे वर्क करती है बॉर्डर आपने टू पिक्जर सॉलिड लिया और कलर का नेम दे दिया कोड दे एड अ बॉर्डर अराउंड द टेबल और कलर आपके पास क्या हो जाएगा रेड हो जाएगा कलर की प्रॉपर्टी ठीक है अब यहाँ पर देखें आप यहाँ पर डॉट स्टाइल्ड टेबल ये डॉट स्टाइल्ड टेबल टी एच यानी उसके हेडर जो स्टाइल्ड टेबल है उसके हैडर पर फिर डॉट स्टाइल्ड टेबल के उसके डेटा पर टेबल डेटा पर ये प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होंगी पैडिंग एट पिक्सल होगी लेफ्ट टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट साइड पर करना है बॉटम कलर ये होगा ठीक है और यहाँ पर ये यह हो जाएगी ठीक हो गया और बैकग्राउंड कलर जो होगा लाइट ब्लू हो जाएगा अब ये प्रॉपर्टी नेक्स्ट अगेन आपने प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है स्टाइल्ड टेबल यानी आपका सिलेक्टर है टी एच यानी टेबल हेडर पर आप बैकग्राउंड कलर पिंक करेंगे फॉन्ट वेट बोल्ड होगा यानी बोल्ड या फिर अटाल जो भी करना चाहते हैं और कलर क्या हो जाएगा ग्रीन हो जाएगा अब अगेन एक और प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है यहाँ पर वो क्या है ये डॉट स्टाइल टेबल यानी उसी पूरे टेबल की जो क्लास बनाई है उस पर टी आर रो पर कॉलन हॉवर टी डी ठीक है उस पर टेबल क्या है होवर करते हैं ये होवर होता है ये, ये ऐसे माउस लेकर जाएं तो क्या होगा बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रीन हो जाएगा चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑन होवर तो स्टाइल हमारा हो गया यहाँ पर कंप्लीट ठीक है तो यहाँ पर कंप्लीट हुआ तो हम यहाँ पर डॉक टाइप यहाँ पर लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर हमारा यहाँ तक एच टी एम एल का कोड कम्प्लीट हो रहा है ठीक है मैंने वैसे नोट पैड ओपन करके रखा हुआ है कंट्रोल ए से कट कर देते हैं कंट्रोल वी और मैंने इसको सेव करना ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुए वीक फ़ोर के नेम से बाहर यहाँ पर सेव किया हुआ है वै, वैसे मेरे पास ओपन ही है वीक फोर का तो इसे रिफ्रेश करती हूँ तो ये देखो ये इस टाइप का आ जाता है अब यहाँ देखो ये पिंक कलर कर दिया था ये ग्रीन कलर का टेक्स्ट नज़र आ रहा है जैसे ही मैं लेकर जाती हूँ देखो लाइट ग्रीन हो जाता है ठीक है ये देखो कलर चेंज होवर होवर है ये जैसे ही करते हैं ऊपर ले जाना ठीक है कर्सर तो कलर चेंज हो जाता है ठीक है तो यहाँ पर देखो ये देखो ये फ्लेक्सिबिलिटी भी है ठीक है रो पर नहीं हेडर पर नहीं ठीक है जस्ट ये यहाँ रोज पर जहाँ पर डेटा था वहाँ पर ले जाते होवर होवर और तरह से भी आप कर सकते हो बॉर्डर का मैंने ये देखे कोलैप्स था ठीक है पूरा बॉर्डर यानी कोलैप्स हो गया कोई वो बॉर्डर नज़र नहीं आ रहा ठीक है जस्ट ये इस तरह से सो so, यहाँ पर मैंने आउटपुट भी दिखाई है यहाँ पर मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन भी दिखा दी है जो साथ साथ मैं आप लोगों को समझाती गई हूँ यहाँ से आप लोग देख सकते हैं नोट्स अगर लेने हैं वो पेड होते हैं अगर लेना चाहते हैं अदरवाइज़ आप समझ लें और इसको अप्लाई करें सो वी हैव कम्प्लीट एवटी डेज लेक्चर हेयर दैट वॉज अबाउट हाउ वी कैन एनहांस द कॉस्मेटिक लुक ऑफ एच डी एम एल टेबल यूजिंग सी एस एस आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा अपना ख्याल रखिएगा टेक केयर अल्लाह